हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन इंडिया। इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीपीएससी के बारे में। दोस्तों, यूपीपीएससी में एक और नई भर्ती निकली है। कितने हैं पद, कब तक आप आवेदन कर सकते हो और कब आवेदन स्टार्ट हुए हैं, कब होगी परीक्षा, ये भी आपको जानकारी मिलने वाली। और पूरा रिक्रूटमेंट मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या है रिक्रूटमेंट में लिखा हुआ, कितनी होगी फीस, कितनी आपकी योग्यता, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साइड में आए बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि ऐसे क्या होगा कि जैसे ही मैं यूपीपीएससी से जुड़ा कोई भी नया वीडियो लेके आऊँगा तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख सकेंगे। तो दोस्तों, अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में आए बेल आइकन को जरूर दबाइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको कोई भी हमसे सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इस वैकेंसी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप ऊपर यहाँ पर देख सकते हो, upssc.up.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है यूपीपीएससी की। तो दोस्तों, नीचे देख लेते हैं हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडवर्टाइज नंबर। तो ये है, देख सकते हो 2 अक्टूबर यहाँ पर लिखा हुआ है। दोस्तों, 1 अक्टूबर को ये आ चुकी थी। तो दोस्तों, ऊपर एक बार ये देख सकते हो, लिंक ये है जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वैसे तो, वरना आप ये सीधा यहाँ पर जाके कर सकते हो अपना अप्लाई। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ क्या है पूरे। तो देख सकते हो आप, रजिस्ट्रेशन एंड फी डिपोजिशन स्टार्ट डेट 1 अक्टूबर 2018, तो और लास्ट जो 29 अक्टूबर 2018 है, और लास्ट डेट जो रहेगी वो 1 नवंबर 2018 रहेगी। तो चलिए दोस्तों, हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। नीचे लिखा हुआ है, तो दोस्तों हम ऊपर आ चुके हैं अप्लाई पर, यहाँ पर जाकर देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो देख सकते हो यहाँ पर व्यू एडवर्टाइजमेंट, सीधी भर्ती है यहाँ दोस्तों, सीधी भर्ती। तो चलिए दोस्तों, व्यू एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं हम रिक्रूटमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है। तो हम PDF हिंदी में कर देते हैं, हिंदी में डाउनलोड कर लेते हैं दोस्तों, जिससे आपको सरलता से समझ आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम ओपन कर चुके हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, देख सकते हो आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा कराने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर तक आप लास्ट जो है अपनी शुल्क जमा करवा सकते हैं, उसके बाद नहीं करवा सकते। तो आपके पास 29 अक्टूबर तक मौका है कि इसमें आप कर सके, पर इसमें आप ले अपना रजिस्ट्रेशन करा सके। ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि जो रहेगी वो है 1 नवंबर तक, तो 29 अक्टूबर तक आपको जमा करवा देना है और 1 नवंबर तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हो। तो विशेष सूचना, बैंक में जमा कराने के लिए अंतिम तिथि तक तो दोस्तों ये विशेष सूचना आपके लिए है, आपको यहाँ पर लिंक पर मैंने जैसे बताया है जैसे फॉलो किया है वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। नीचे UPSC की वेबसाइट दी हुई है, अर्थ एवं संख्या प्रभाग राज्य नियोजन। तो दोस्तों यहाँ पर यूज़र इंटरेक्शन देख लीजिए, सारे चीज़ें आप देख सकते हो वहाँ जाकर, मैं आपको सारे हाईलाइटेड पॉइंट्स बताऊँगा मात्र। तो नीचे चलने के बाद देख सकते हो दोस्तों सारे चीज़ें जो इसमें क्या क्या पद रहेंगे, किस किस विभाग में कितने पद रहेंगे, ये भी जानकारी दे दी गई। जैसे संस्कृति विभाग, यूपी चिकित्सा विभाग, यूपी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संभाग। तो दोस्तों इन सब में रहेगी आपके इस प्रकार से जो पद रहेंगे वो सारे चीज़ें बता दी गई हैं, और जो वेतन भी हैं वो भी बता दिया गया है। दोस्तों जैसा देख सकते हो, चिकित्सा शिक्षा विभाग, यूपी चिकित्सा शिक्षा यूनानी विज्ञान विभाग, समाज कल्याण विभाग, और भी दोस्तों जैसे भी आपके यहाँ पर देख सकते हो नीचे दिए हुए हैं। अब नीचे चलते हैं दोस्तों, पर्यटन विभाग और भूगर्भ जल विभाग, सामान्य अनुदेश। ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा कराने की अंतिम तिथि 29/10/2018, ऑनलाइन आवेदन सबमिट कराने की अंतिम तिथि 1/11/2018। तो दोस्तों जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये सामान्य अनुदेश हैं जो इनके द्वारा दिए गए हैं। तो दोस्तों ये भी पढ़ लीजिएगा, आपको वहाँ पर पूरी चीज़ें मिल जाएगी। और नीचे आपको देख सकते हो अपेंडिक्स 1, तो प्रोसीजर रिलेटिंग टू अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग फोटोग्राफ विद सिग्नेचर। तो दोस्तों ये भी आपके साथ जो कह सकते हैं हम
आपको अनुदेश दिए गए हैं। और दोस्तों ये मैम ये आपके कुछ फॉर्म का टाइप भी दिए हुए हैं फॉर्म के, दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आप। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी, अगर आप डिसेबल हो किसी भी, अगर आप दिव्यांग हो तो दोस्तों आपके लिए अलग से पद भी होंगे, आप फिक्र मत करिए। दो जो दिव्यांग है वो नीचे चलते हैं दोस्तों, ये पूरी आपकी जो चीज़ें बताई गई हैं किस प्रकार से आपको भरनी है वगैरह, तो दोस्तों ये फॉर्म भरने के लिए भी बताई गई। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो UPSC में होना चाहते हैं, भर्ती होना चाहते हैं। दोस्तों चलिए वीडियो का अंत करते हैं, इसी के साथ मैं आपको एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए और साइड में बेल आइकन को जरूर दबाइए। और अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।